नेक्स्ट एग्जांपल अगेन बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंटर्स। इस केस में मैंने टोटल टू फंक्शन डिफाइन किए, फंक्शन ऐड और सबट्रैक्शन फंक्शन। इस दोनों केसेस में फंक्शंस के रिटर्न टाइप कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम, प्लस आर्गुमेंट टाइप भी कैसे हैं, ऑल्सो सेम। इस लॉजिकली और सिंटैक्टिकली इन फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोटोटाइप। इस केस में दोनों ही फंक्शन को अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, देन दोनों ही फंक्शंस के केस में आपको सेपरेट पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सेम पॉइंटर। सेम पॉइंटर के दोनों के सिग्नेचर कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। इसे डिफरेंट पॉइंटर आपको कब रिक्वायर्ड होगा, आप डिफरेंट सिग्नेचर वाला फंक्शन पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, क्लियर। इन दैट केस सिंपली सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर सिंपली पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया, इस केस में एज अ एफपी, एफपी क्या, इस केस में एज अ पॉइंटर। मींस व्हाट इज द साइज ऑफ एफपी, सिंपली 2 bytes, क्योंकि पॉइंटर किसी भी टाइप का हो डजंट मैटर, पॉइंटर का साइज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 2 bytes। अगर इंटीजर का साइज 2 byte है देन पॉइंटर इज 2 bytes, अगर इंटीजर का साइज 4 byte है देन पॉइंटर इज ऑल्सो 4 bytes। वन मोर थिंग्स, अभी तक मैंने जस्ट डिस्कस किया था पॉइंटर्स के केसेस में, प्रीवियस सभी लेक्चर्स में मैंने पॉइंटर का साइज कंसिडर किया था ऑलवेज 2 bytes। मीन्स ऐसा कोई भी रूल नहीं जिसके अकॉर्डिंग पॉइंटर का साइज फिक्स हो 2 bytes और 4 bytes। इसे प्रॉपर्टी में सेपरेटली डिस्कस करूंगा आफ्टर फंक्शन पॉइंटर्स, मीन्स टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। मीन्स टाइप्स ऑफ पॉइंटर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग केस होगा, जिसके मैं डिस्कस करूंगा नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर और ह्यूज पॉइंटर। देन आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा साइज ऑफ पॉइंटर्स। इन दैट केस सिंपली पॉइंटर डिफाइन किया जाए एफ पी। सबसे पहले एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मेन फंक्शंस, जैसे ब्लॉक्स के फॉर्म में एलोकेशन परफॉर्म करा रहा हूँ विदाउट यूजिंग स्टैक डायग्राम। दिस इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर टोटल 2 local वेरिएबल्स अवेलेबल है, एफ पी कॉमा रिजल्ट। एफ पी के केसेस में से इंटीजर एफ पी के लिए वर्क करेगा या रिटर्न टाइप, रिजल्ट के लिए वर्क करेगा या डेटा टाइप्स, एफ पी, क्लियर। नेक्स्ट वन, वन मोर वेरिएबल क्या है इसमें, एज अ रिजल्ट। टोटल 2 variables क्रिएट हुए हैं, देन दोनों में इनिशियल वैल्यू क्या होगा, समथिंग गार्बेज। इसके जस्ट बाद सेकेंड स्टेटमेंट में एफ में क्या आसान किया, एड्रेस ऑफ एडिशन फंक्शंस। सपोज दैट मेमोरी के अंदर कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा, इस प्लेस पर स्टोर किया हुआ एग्जीक्यूटिवल कोड ऑफ एड फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिवल कोड ऑफ सबट्रैक्शन फंक्शंस, क्लियर। सिंपली मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस, नॉट अ स्टैक। मीन्स स्टैक डिफरेंट केस होगा, एड्रेस मे बी 200 और 300 लाइक दैट। फाइनली अगर एडिशन फंक्शन का एड्रेस 200 है, देन इस प्लेस पर रिटर्न किया होगा 200 कॉपी हो जाएगा इनसाइड एफ पी। देन एफ पी में जैसे ही 200 आसान होगा, एफ पी इमीडिएटली इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। देन एफ पी के रिस्पेक्ट में एक और नेम क्या हो जाएगा इसका, स्टार एफ पी। अगर इस सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में बात करें, फाइनली एफ पी में 200 में से एफ पी के अंदर एड्रेस किसका है, एडिशन का। तो एफ पी इस केस में पॉइंट भी किसको करेगा, फंक्शन एड, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट और इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ एड। मीन्स इस प्लेस पर एफ पी फंक्शन के थ्रू कॉल किया हुआ एडिशन फंक्शन, क्योंकि करेंटली एफ पी में एड्रेस किसका है, फंक्शन एड का। तो इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास किए, 10 20। देन स्टैक के फॉर्म में जब डायग्राम क्रिएट करोगे, इसके लिए स्टैक के टॉप में लोड क्या हो चुका है, मेन फंक्शन। मेन के जस्ट बाद टॉप में लोडिंग किसके लिए हो रहा है, एडिशन फंक्शन। एडिशन के अंदर 2 local वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स के लिए वैल्यू पास हुआ 10, वाई के लिए 20। 10 और 20 मीन्स फाइनली करंटली एक्स में कैसा हो जाएगा 10 एंड वाई में कैसा हो जाएगा 20। रिटर्न क्या होगा, 10 + 20 इन कॉलिंग प्लेस। मीन्स कॉलिंग प्लेस पर फाइनली असाइन क्या हो जाएगा, रिजल्ट एज 30, क्लियर। 30 किसमें आसान होगा, वेरिएबल रिजल्ट के अंदर रिजल्ट का वैल्यू क्या, फाइनली 30। देन प्रिंट एफ, नेक्स्ट केस में क्या, प्रिंट एफ। मीन्स यहाँ आपके लिए आउटपुट से या रिजल्ट से इंपॉर्टेंट किस नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस में। इसे आपको चेकआउट करना, जब एफ पी के अंदर एडिशन का एड्रेस रन किया, देन इसे कॉलिंग किसके लिए परफॉर्म हुआ, एडिशन फंक्शन के लिए। देन रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो चुका है इस केस में, एज रिजल्ट 30। नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंटर में नेक्स्ट टाइम क्या आसान किया, एड्रेस ऑफ सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का एड्रेस क्या है, 300। जैसे इसमें 300 होगा, देन सेम पॉइंटर नेक्स्ट केस में 300 के रिस्पेक्ट में पॉइंट किसको करेगा, न्यू फंक्शन कॉल्ड है सबट्रैक्शन। तो सेकेंड टाइम सेम फंक्शन कॉलिंग मेड किया है, इस केस में कॉलिंग किसके लिए हुआ, सबट्रैक्शन के लिए। पास क्या किया, 20, 10। तो एक्स में क्या आसान हो जाएगा, 20। वाई में क्या आसान होगा, 10। 20 - 10 बिकम्स 10। देन कॉलिंग प्लेस पर इसके इसमें रिजल्ट का रिटर्न होने वाला है 10। 10 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट। रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या है इसके इसमें, 10।
मीन्स सेम पॉइंटर का यूज करके एडिशन भी कॉल करना पॉसिबल, सेम पॉइंटर का यूज करके सब्ट्रैक्शन भी कॉल करना पॉसिबल है। जब एडिशन का रिजल्ट असाइन किया था कॉलिंग किसके लिए हुआ था, एडिशन फंक्शन के लिए। सेम है सब्ट्रैक्शन का एड्रेस असाइन किया था कॉलिंग किसके लिए हुआ इस केस में, सब्ट्रैक्शन फंक्शन। नेक्स्ट आप रिजल्ट का डिस्प्ले हुआ, रिजल्ट का वैल्यू क्या 10, इसलिए आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट इज 10। क्लियर।